सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। बाकी आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ होंडा की द ऑल न्यू CB300R, जो कि एक सुपर नेक बाइक है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पावर एंड परफॉर्मेंस के साथ, और राइड भी करेंगे आज। तो अच्छे से आप लोग को जो है बाइक के बारे में पता चलेगा। बाकी ब्लॉग जो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो 300cc आपको देखने में लग रही है ना, ये कोई मामूली बाइक नहीं है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, और जो चला के एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आने वाला है। तो सबसे पहले ओवरव्यू आप लोगों को जो है इस बाइक का मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो सबसे पहले बाइक की बात की जाए तो ये कुछ आपको जो है यहाँ पे बाइक देखने को मिल जाएगी, जो कि 300cc की यहाँ पे होंडा की ओर से नेक्ड बाइक यहाँ पे लॉन्च की गई है। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है एंड फीचर्स इसके जो है ना वो बहुत ही अमेजिंग है, खासकर की जो पावर एंड टॉर्क के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट से, तो फ्रंट में ये कुछ आपको जो है यहाँ पे LED लाइट इसकी देखने को मिल जाती है राउंड शेप में इसलिए दी गई है ताकि जो इसकी थ्रो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहे। एंड ये कुछ आपको DRLs इसके देखने को मिल जाते हैं। एंड BS6 में आप लोग को पता ही है कि लाइट्स जो है वो ऑलवेज ऑन ही रहती हैं। USD फोक का सस्पेंशन इसमें प्रोवाइड किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है एंड खासकर सुपर बाइक्स में ही आपको जो सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलता है। अब वहीं पे बात करें टायर्स के बारे में, तो ट्यूबलेस टायर्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं MRF की ओर से, जिनकी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो रह जाती है 110/70 R17 फ्रंट की। बाकी यहां पे फ्रंट डिस्क आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रोवाइड की गई है एंड यहां पे आपको अलॉय का डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये कुछ है ओवरऑल बाइक। बाकी ड्यूल चैनल डिस्क एंड ड्यूल चैनल ABS इसमें प्रॉपर आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। तो ब्रेकिंग की सेफ्टी का पूरा ध्यान यहाँ पे जो है रखा गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको रेडिएटर प्रोवाइड किया गया है, जो कि लिक्विड कूल्ड रहने वाला है। बाइक इतनी ज़्यादा पावरफुल है तो उसको रेडिएटर भी फिर उस हिसाब से चाहिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अंडर बेली प्रॉपर यहाँ पे आप लोग को जो है देखने को मिल जाती है इंजन के नीचे। एंड ये कुछ मैसिव आपको 300cc का इंजन इसमें मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 31 PS ऑफ पावर एंड 27.5 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि बहुत ही अच्छी जो इसके पावर एंड टॉर्क के नंबर्स हैं। बाकी ये कुछ आपको एक मैसिव सा एग्जॉस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर इन शॉर्ट बात की जाए तो ये जो CB300R है, काफ़ी हद तक जो है ना आप कह सकते हैं कि जो CBR250 आता था उसका आप कह लीजिए नेक्ड वर्जन जो है 300cc में यहाँ पे लॉन्च किया गया है होंडा द्वारा, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो बैक साइड के टायर की जो विड्थ है बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पे आप लोग को मिल जाती है, और ट्यूबलेस टायर अगेन ये भी यहाँ पे रहने वाला है। 150/60 R17 की सेक्शन का यहाँ पे आपको टायर जो है मिल जाता है, अगेन सेम MRF की ओर से ही। तो रियर डिस्क कुछ आपको इस टाइप की यहाँ देखने को मिल जाएगी, अगेन ABS आपको रियर डिस्क में भी यहाँ पे मिल जाता है। बाकी जो पावर एंड ओवरऑल जो है ना वो आपको राइडिंग एक्सपीरियंस में ही सही पता चलेगी। तो रियर में भी आपको LED टेल लाइट यहाँ पे जो है प्रोवाइड की गई है एंड कुछ इस टाइप का आपको जो है इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ देखने को मिल जाएंगे, इंडिकेटर्स भी अगेन LED में ही प्रॉपर यहाँ पे रहने वाले हैं। बाकी इस साइड का कुछ आपको इस टाइप का यहाँ पे सिस्टम देखने को मिल जाता है। 6-speed ट्रांसमिशन इसमें प्रोवाइड किया गया है। बाकी चेसिस का डिज़ाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। एक चीज़ जो मेरे को इसमें कम लगी कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 9.7 liters का फ्यूल टैंक प्रोवाइड किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बट जो नेक्ड बाइक हैं वो मोस्टली बनी होती हैं सिटी में राइड करने के लिए, तो उस हिसाब से ठीक भी है। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये कुछ आपको जो है यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट के लिए स्विच मिल जाता है। बाकी इस साइड पे बात करूँ हॉर्न और आपको इंडिकेटर्स और यहाँ पे हाई बीम लो बीम एंड पास स्विच मिल जाता है। तो ये कुछ है ओवरऑल हैंडल के लिए, इस टाइप के आपको मिरर्स प्रोवाइड किए गए हैं एंड ये कुछ आपको मीटर मिल जाता है यहाँ पे, जिसमें आपको RPM मीटर मिल जाएगा, स्पीड मीटर, ट्रिप, देन एवरेज, साइड स्टैंड शो, गियर इंडिकेटर मिल जाता है, टाइम मिल जाता है एंड फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ ही आपको इस मीटर में प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये है कुछ ओवरऑल बाइक के बारे में। बाकी चलिए इसे राइड करते हैं और इससे एक्सपीरियंस लेते हैं कि चलाने में कैसी ये बाइक आप लोग को मिल जाती है। तो लेट्स गेट इन द मोटर व्लॉगिंग सेटअप। अभी तक तो मतलब फर्स्ट लुक वाइज मेरे को जो है MT15 की तरह यहाँ पे ये देखने को मिल रही है, बट जो खास बात है, सबसे पहली बात तो एक स्पोर्ट्स बाइक है, दूसरी बात कि ये जो है आपको 300cc के सेगमेंट में एक बाइक मिल जाती है जिसकी पावर एंड टॉर्क की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत पावर एंड टॉर्क के जो नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है।
31 PS की इसके अंदर आपको पावर मिल जाती है, और जो टॉर्क है वो 27.5 न्यूटन मीटर के करीब मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एक 300cc की बाइक के लिए। बाकी आगे चल के जो ऐसे खींचेंगे भी और अच्छे से हर एक चीज़ इसके बारे में जानेंगे। एंड बाइक की अगर हाइट की बात करूँ ना, तो हाइट काफ़ी ज़्यादा कम है यार, मतलब मेरे पैर दोनों जो हैं इजीली बहुत ही अच्छे से नीचे लग रहे हैं, तो शॉर्ट राइडर्स को भी तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। एक चीज़ जो अजीब लग रही है कि ये जो इसका मीटर है ना, ये बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे है, तो लाइक आपको बार बार ना ऐसे पूरी मुंडी डाउन करनी पड़ेगी इसके मीटर को चेक करने के लिए। एंड 6-speed ट्रांसमिशन इसमें आप लोग को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी वाली बात है। बाकी ओवरऑल बाइक की बात करें, हैंडल पोजीशन काफ़ी अच्छी है एंड प्रॉपर आपको एक नेक्ड बाइक वाली फीलिंग इसमें आने वाली है। बाकी जो इसकी हेडलाइट और इंडिकेटर्स दिए गए हैं वो प्रॉपर LED में आप लोग को जो है देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड विजिबिलिटी एंड लाइट थ्रो जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहता है। तो ये सब था बाइक के बारे में। अगर मैं बात करूँ फ्रंट सस्पेंशन की, तो Ultra HD फोक्स इसमें जो है आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होते हैं ऑफ रोड परफॉर्मेंस वाइज, या फिर कोई भी अगर गड्ढा वगैरह आता है तो उनमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ है ओवरऑल। यहाँ पे आपको मिल जाता है सेल्फ स्टार्ट के लिए स्विच, एंड इस साइड पे हॉर्न वगैरह दिया गया है, कुछ इस टाइप की आवाज़ है। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच दिया गया है, और ऊपर की ओर पास लाइट वगैरह मिल जाती है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं है बाइक में। तो टैंक की अगर मैं बात करूँ, तो 9.7 लीटर्स का टैंक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है यार। एटलीस्ट 12 लीटर्स का तो होना ही चाहिए था, क्योंकि 12 लीटर्स का भी कई बार जो है ना बहुत ही ज़्यादा कम पड़ जाता है, बट ये तो बिल्कुल 9.7 लीटर्स का है यार, बहुत ही ज़्यादा छोटा टैंक प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे अभी कुछ ना एवरेज शो हो रही है, तो 2163 किलोमीटर ये ओवरऑल बाइक चल चुकी है, एंड मोस्टली ये टेस्ट ड्राइव वाली बाइक ही है, तो फिर भी 31 का एवरेज यहाँ पे जो है ईजिली इसमें निकल के आ रहा है। तो मतलब इस बाइक की एवरेज ना काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और जो एक और जो ख़ास चीज़ इसमें मेरे को लग रही है कि मेरे ZD रोडस्टर के मुकाबले जो इसका लो एंड टॉर्क है ना, वो काफ़ी अच्छा है। मतलब 5th गियर में हूँ, तो धीरे भी चला रहा हूँ मैं, तब भी ये आराम से जो है चल रही है। तो बाकी आगे चल के थोड़ा बहुत इसको खींचते हैं और आपको अच्छे से फिर जो है इस बाइक के बारे में बताते हैं। ओ माय गॉड, भाई साहब, भाई इसने ऐसा पंप दिया ना भाई, ऐसे जर्क लगा मेरे को एकदम से, इतना जबरदस्त पावर। एंड ब्रेकिंग चेक करो, कितनी ज़्यादा ऑसम ब्रेकिंग यहाँ पे आप लोगों को इसकी मिल जाती है। तो ब्रेक्स भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम परफॉर्म कर रही हैं, एंड बाइक की सीटिंग कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब प्रॉपर जो है ना एकदम आरामदायक यहाँ पे फील हो रहा है बाइक में बैठे हुए। एंड भाई थ्रस्ट ने तो मेरे को मज़ा दिला दिया यार इस बाइक के, पावर इज़ लाइक ऑसम, बहुत ऑसम पावर है 300cc के हिसाब से। तो अभी जो है ना वापस घूम के आएंगे, फिर यहाँ पे जो है 0-100 इसका एक बार टेस्ट करते हैं। बट यार ये वाला ट्रैक ना बड़ा बेकार है, यहाँ पे ट्रैफिक हमेशा रहता ही रहता है। कोई नहीं, ट्राई करते हैं फिर भी, देखते हैं जी। तो गाइस कैसी लग रही है आपको ओवरऑल वीडियो अभी तक, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो देखने में लिटरली आपको मज़ा आ रहा है ना, तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना, बाकी शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं 0-100 स्पीड टेस्ट। भाई सुपर क्विक यार, सुपर क्विक, ऑसम। फिर से एक और बार ट्राई करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा रोड जो है खाली मिलता है ना, फिर एक बार प्रॉपर ट्राई करते हैं, यहाँ पे सही से हो नहीं पाया। तो लेट्स सी, तो चलिए लेट्स स्टार्ट।
ऑसम। भाई फर्स्ट और सेकंड गियर में तो ये व्हीलियां मारने को आ रही थी यार, इतनी मस्त पावर इसमें कहने की बात नहीं। और यार मेन चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि जो इसकी प्राइसिंग है ना वो शुरू हो जाती है 277 जो है इसका 277 इसका एक्स शोरूम प्राइस है, जो कि ऑन रोड आपको नियर अबाउट पड़ जाएगा 320,000 के करीब। एंड जो सबसे अच्छी बात है कि 31 PS की पावर आपको जो है इसमें प्रोवाइड की जा रही है 300 CC के इंजन में, जो कि नियर अबाउट आपकी अपाचे RR310 के बराबर है। तो पावर वाइज बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। एंड अभी तो भाई फर्स्ट और सेकंड गियर में विलियम आ रही थी ये बाइक, तो आप समझ सकते हो कि पावर किस हिसाब की होगी इसमें। तो ऑसम है और सुपर लाइट बाइक है यार, 142 kg की टोटल बाइक है ये, बहुत ही ज़्यादा हल्की है। तो भाई आपको स्टंट वगैरह मारने में इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, एंड भगाने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, एंड फुल कंट्रोल आपका जो इस बाइक पे रहने वाला है। तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छी बाइक है। एंड आपने इसका 0 to 100 चेकआउट कर ही लिया, तो मेरे हिसाब से थर्ड गियर में ये 100 क्रॉस कर चुकी थी, जो कि भाई ऑसम चीज़ है। और जो इसकी आवाज़ है ना, वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी आती है यार। तो चलो इसका थोड़ा बहुत सस्पेंशन भी टेस्ट कर लेते हैं। ओह भाई मेरे को फील ही नहीं हो रहा कि मैं खड्डों पे चल रहा हूँ, पत्थरों पे चल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा, इतना मस्त सस्पेंशन है इसका। बस ऐसा लग रहा है कि टायर ही जो है ना वो बाउंस हो रहे हैं अपने में, बाकी मेरे तक इफेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा लाइट पहुँच रहा है। तो ये USD जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं इनका यही फ़ायदा होता है। बाकी आपको कैसा लगा ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप जो है इसके साथ ड्रैग रेस देखना चाहते हैं ZSD रोडस्टर की, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, आई विल अरेंज फॉर यू। तो बाकी सब बढ़िया है, प्यारा अपना प्यार जो है दिखाते रहो चैनल पर, बाकी आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ जो है आगे भी लेके आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब यहाँ पे चेक करते हैं एक बार इसका।